कोरोना वैक्सीन आने के बाद देश में कोरोना महामारी के प्रति लोगों का डर जरूर कम हुआ है, लेकिन वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विभाग के मोटिवेशन के बावजूद अब तक 50% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा हुआ है। कोरोना महामारी के कारण 2020 में इस बीमारी के फैलाव की वजह से लोग एक दूसरे से दूर हो चुके थे। सरकार और वैज्ञानिकों पर इसकी वैक्सीन ईजाद करने का भी भारी दबाव था, जिसको लेकर वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत कर इस बीमारी की रोकथाम के लिए वैक्सीन ईजाद की तो सरकार ने राहत की सांस ली। 16 जनवरी 2020 से कोविड महामारी के रक्षक के रूप में पूरा साल काम करने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन की पहली डोज देकर इस अभियान की शुरुआत की गई थी। टीकाकरण अभियान में अब तक केवल 50% ही सफल हो पाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी संतलाल वर्मा ने बताया कि इस अभियान को पूरी सफलता ना मिलने का कारण लोगों में कोरोना बीमारी के प्रति भय का कम होना और वैक्सीन के प्रति जागरूकता ना होना है, क्योंकि स्वस्थ आदमी इसलिए वैक्सीन के प्रति जागरूक नहीं है कि कहीं वैक्सीन लगवाने से उसे कोई दिक्कत ना पेश आने लगे, जबकि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। हम सब डॉक्टरों ने आगे बढ़कर स्वयं वैक्सीन लगवाई है, इसमें थोड़ा बहुत बदन दर्द और साधारणतया बुखार के लक्षण सामने आ सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए, लेकिन वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। पानीपत से प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट। इस वैक्सीनेशन का जो अभी जो अगला चरण है वो भी शीघ्र ही शुरू होने वाला है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है जिसमें अभी जैसे पुलिस है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लोग हैं, इन सबको लिया जा रहा है स्टेप बाई स्टेप और ये वैक्सीनेशन उनकी भी शुरू हो जाए। इस अभियान को कितनी सफलता मिल पाई है अभी तक वैक्सीनेशन की, क्योंकि जैसे महामारी थी काफ़ी? अभी जो पूरा अगर विश्व अपने हमारे हरियाणा स्टेट की बात करें तो 55% से ज़्यादा जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको वैक्सीनेशन हो गई है। हमारे यहाँ पर 50% के लगभग जो हेल्थ केयर वर्कर्स जो पहले से पोर्टल पर एंट्री थी उनका करवा दिया गया। और ये क्योंकि थोड़ा सा कुछ लोगों के मन में डर सा रहता है, हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं तो हम ये भी बता रहे हैं, जैसे हमने खुद भी लगवाया, हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स ने लगवाया और वो भी अपना एक्सपीरियंस जो है लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है कोई ऐसी जिससे हमें डर के ना लगवाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत जो जैसे हल्का सा बुखार आ रहा है या फिर शरीर में दर्द हो रहा है, ये एक दो लक्षण है जो हो सकते हैं और वो सभी में नहीं होते, 2-4% में मुश्किल से होते हैं। आपने महसूस किया सर? मेरे को जो वैक्सीन जो लगी थी 16 तारीख को उसके अगले दिन थोड़ी सी देर के लिए 2-3 घंटे के लिए ऐसा महसूस हुआ था शरीर में दर्द, और उसके बाद में फिर अपने आप में ठीक हो गया। ठीक, मतलब वैक्सीन सेफ है सर पूरी तरह? बिल्कुल हाँ, वैक्सीन सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।